To our channel Weekend Class Channel, where we will be talking about the second part of our chapter Demographic Data. And in this, we will now talk about the role of state, which was constantly increasing. Now, तो जो role of state था, वो constantly increase कर रहा था. तो to implement its policies, लोगों के welfare के लिए जो policies वगैरह थी, अगर state को implement करने थी, तो उसको एक data की जरूरत थी. It needed a set of data required regular updating of social statistics. ये जो social statistics थी, इनको regular updation जो है, इनका required था. अब यहाँ से बात आती है निकल के quantitative data की. तो the process of collection of social statistics dates back to quite before the present time. आज के काफी पहले से जो है, ये data जो है collect होते रहा है. लेकिन आज का जो ये form है, it acquired present form जो आज के जो ये फॉर्म है जिसमें 10 साल में एक बार होता है, ये सबसे पहली बार कहाँ हुआ? टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में ये अपना वर्तमान स्वरूप जो है वो धारण किया. ये पहला जो रेगुलर सेंसस हुआ था, द फर्स्ट रेगुलर सेंसस वाज कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये कब हुआ था? 1790. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन इंडिया census began to be conducted by the year 1869 and 72. अब इंडिया में अगर आप पूछा जाएगा आपसे कि who was the father of first census or father of census of India, then you will answer Henry Walter. तो Henry Walter जो है, इन्होंने 1836-37 में जो है sex and broad age group के बारे में कुछ डेटास कलेक्ट किए थे एट फोर्ट सेंट जॉर्ज. तो ये जो डेटास थे, ये सेंसस का पहला रूप थे, एंड ही डिड इट इन 1836. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप याद रखिएगा. लेकिन जो ये 10 साल का जो सेंसस होता है, अगर आप कभी ध्यान दें या आप पढ़ें, तो सेंसस जो है वो हर 10 साल में होने वाली एक एक्सरसाइज है. और ये जो है शुरुआत हुई कब से? इंडिया में 1881 से. और ये जो इंडियन सेंसस है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंसस है. अब आप कहेंगे कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से ज्यादा है, तो इंडिया का सेंसस क्यों सबसे बड़ा है? बिकॉज चाइना में सेंसस होता ही नहीं है. इसलिए इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. द सेंसस डेटास गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर पब्लिक वेलफेयर. अब ये जो डेटा प्राप्त होते हैं सेंसस के द्वारा, ये गवर्नमेंट द्वारा जो पब्लिक वेलफेयर की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट जो अपनाती है या देती है, जैसे आप देखिए जो अभी गवर्नमेंट ने कोरोना काल में निपटाने के लिए काफ़ी जो है वेलफेयर पॉलिसीज जो है वो अपनाई, तो ये किस आधार पे गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें कैसे मालूम रहती हैं? ये जो सेंसस के थ्रू जो डेटाज हैं उनको मिले रहते हैं, किस क्षेत्र में क्या जो है कमी है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है डील करती है, और किन जो पॉपुलेशन सेक्शंस हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट टारगेट करती है. जैसे उज्ज्वला योजना और ये सारी जो योजनाएं हैं, आपने देखा होगा किसको टारगेट करके बनाई जाती हैं, तो उसके लिए सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. आपको ये चीज़ जो है एक बार को देखने में नहीं लगेगी, बट वेन यू थिंक डीप you will realize that how important census is. So social statistics is a boost for the subject matter of sociology. So sociology ka jo ye subject matter hai uska aadhar kya banta hai? Ye jo social statistics hai. Abhi jo aggregate hai, jo number aggregate ya numerical states, ye kis cheez ko represent karta hai? Ek collectivity ko represent karta hai. Collectivity means jahan pe ek samaj ka total group या ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. तो लार्जर लेवल ऑफ कलेक्टिविटीज को ये रिप्रेजेंट करता है. जहां पे कलेक्टिविटी की बात आई, इट ऑफर्स अ आर्गुमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ सोशल फिनोमेना. यहाँ पे जब कलेक्टिविटी की बात आई तो सोशल शब्द अपने आप जुड़ जाएगा. सो इट आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ सोशल फिनोमेना. अब डेटाज लाइक डेथ रेट आर अ सोशल फिनोमेना. डेथ रेट का जो डेटा है ये एक सोशल फेनोमेना है, और इसको सामाजिक स्तर पे ही एक्सप्लेन किया जाएगा. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो था वो किसने दिया था? इमाइल डरकिन ने. किसमें? अपनी स्टडी ऑफ सोसाइटी में.
तो ये सारी चीजें हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं? सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी और डेटा का आपस में चोली दामन का रिश्ता है। अब हम लोग आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ माल्थस, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, 100% एग्जाम में आएगी, हर साल आती है, इस बार भी आएगी, किसी न किसी फॉर्म में जरूर आती है ये, तो ये आप लोग टिक कर लीजिए, 100% आना है। माल्थुसियन थ्योरी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरी इसमें एक चीज उन्होंने लिखी थी, इसकी बुक का नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो एसे ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ जो था इनकी बुक का नाम था, ये 1798 में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी है ये सबसे फेमस थ्योरी है, इट वॉज गिवन बाई थॉमस माल्थस। ये जो बुक इन्होंने लिखी थी इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। अब इनकी ये जो थ्योरी है ये क्या बताती है? इट एडवोकेट्स दैट पॉपुलेशन ग्रोथ एट अ रैपिड रेट देन द रेट ऑफ मींस ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस ग्रो, जैसे कि जो पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ती है बनस्पत की, किसके, जो मानव के, अब जैसे आप जो है जीने के जो संसाधन है उनके मुकाबले जो जनसंख्या है, इट ग्रोज एट अ रैपिड रेट। माल्थस ने कहा कि सिंस दिस इज हैपनिंग तो ह्यूमैनिटी अल्टीमेटली क्या होगा, ह्यूमैनिटी इज बाउंड टू लिव इन पॉवर्टी, क्योंकि बिकॉज देर विल बी अ अनबैलेंस बिटवीन द एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो जब दोनों, जब जो खाने पीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इट मीन्स दैट ह्यूमैनिटी इज बाउंड टू लिव इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस। इसके बाद ही एडेड फर्दर डेट पॉपुलेशन जो है, उन्होंने कैसे इस चीज को एक्सप्लेन किया, पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब आज दो है तो एक साल के बाद चार हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा, इस तरीके से 2, 4, 8, 16, मतलब आप देखिए कि दूने रफ्तार से। वो उस वक्त का उनका चूंकि बहुत क्रूड होता, आपने देखिए कि 1798 में उनकी जो किताब थी वो आई थी, तो एट दैट टाइम जो उनकी जो सोच थी वो भी उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, बट दैट वॉज अ वेरी गुड ट्राई। तो और जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, उस वक्त मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो मेनली हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बिकॉज जो सोसाइटी थी दैट वॉज मोस्टली अ एग्रो सोसाइटी, एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी। तो इसलिए थॉमस माल्थस जो है, और टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं, तो ही कुडंट फोरसी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसलिए उनकी जो बातें थी वो उस हिसाब से उन्होंने कही, तो उस वक्त के हिसाब से जो है उन्होंने गलत नहीं कहा था। तो उन्होंने जो फोरसी किया था वो उन्होंने बोला कि जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है जिससे आदमी जो है वो अपने आप को सस्टेन करता है, इट विल ग्रो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आज दो तो कल तीन फिर चार पांच छह, लेकिन ये इसको पिछाड़ दे रहा है, ये जो है धीरे बढ़ रहा है, ये तेज बढ़ रहा है, क्योंकि दिस कांट बी इक्वल टू दिस। अब पॉपुलेशन दो जो है, पहले दो खाती थी, अब जो है चार तीन को खाएगी, इसका मतलब क्या होगा, पॉवर्टी लेवल जरूर बढ़ेगा। तो ही वॉज नॉट रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज कि टेक्नोलॉजी जो है वो सुधर गई एंड उसके बाद चीजें बदल गई। ही सेड दैट इस प्रकार जो पॉपुलेशन ओवरट्रिप्स ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ सब्सिस्टेंस रिसोर्सेज, तो पॉपुलेशन जो है ओवरट्रिप कर जाएगा और जो संसाधन है उनको खत्म कर देगा। ओवरट्रिप, जैसे ट्रिपिंग क्या होती है, बिजली चली जाना, तो ओवरट्रिप का मतलब पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बींग शुड वॉलंटरली रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थ्रू प्रिवेंटिव चेक। अब उन्होंने चेक्स की बात की, तो दो टाइप के चेक्स की बात की, तो पहले जो चेक थी वो प्रिवेंटिव चेक की बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमंस को दो चेक लेने चाहिए, पहला जो उनके बस में है दैट इज प्रिवेंटिव चेक, तो उसमें मानव को वॉलंटरली ये जो चेक है ये यूज करना चाहिए। नाउ व्हाट आर दीज प्रिवेंटिव चेक्स, जो अपनी एज की, जो मैरिज की एज है
इनको बढ़ा देनी चाहिए। तो जब लेट मैरिज होगी तो बच्चे कम होंगे, तो ये एक तरीका है। दूसरा, प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल एब्सटिनेंस, मतलब एक एज के बाद जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो बंद कर देना, या ब्रह्मचर्य का पालन करना, सेलिबसी। तो दीज वेर प्रिवेंटिव चेक्स। इसके अलावा जो उसने दूसरे चेक की जो वकालत की, डेट वॉज पॉजिटिव चेक। अब ये दोनों सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आंसर लिखेगा तो ये सारी जो एग्जाम्पल से इनको अगर आप लिख दीजिएगा तो डेट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गेनिंग यू बेटर मार्क। तो पॉजिटिव चेक क्या है कि इन्होंने बोला कि नेचर जो है वो कुछ कुछ समय में पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। कैसे? लाइक सूखा पड़ जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो का फटना हुआ, सुनामी आई, तो इन सब वजहों से जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की एकाएक नीचे हो जाती है। तो ये जो फेमाइन वगैरह था ये पहले बहुत इफेक्ट करता था क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो जहाँ माँ मैरी फैलती थी प्लस सूखा पड़ता था, तो हम लोग उस नेचर के प्रकोप को हैंडल करने में सक्षम नहीं थे। बट नाउ ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर क्वाइट एबल टू हैंडल इट। लेकिन अब ये तो बात हो गई उनके प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स के बारे में, लेकिन अभी भी देखिए सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, श्रीलंका और इन सब में ऐसी तबाही मचाई कि कुछ हद तक जो ये पॉजिटिव चेक्स की जो इनकी बात थी सही हुई, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी जनसंख्या जो है वो तबाह हुई। आप खुद के आज के कोविड की बात कर लीजिए, जो कि ये जो एग्जांपल है ये आप दे सकते हैं एज अ पॉजिटिव चेक। देखिए जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं अगर आप अपने आंसर्स में लगाएंगे तो जहाँ पे आपको 5 में से 4 नंबर मिल रहा होगा वहाँ पे आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं भी आ रहा है तो एग्जामिनर ये देखेगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है डेट इज़ क्लियर, कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा है। तो अगर आपने कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्पल लगाया तो आपको पूरा नंबर देगा। नाउ उसकी जो थ्योरी थी माल्थस की, इट वॉज चैलेंज बाई सम इकोनॉमिस्ट और उसे नकार दिया गया, उसकी थ्योरी को नकार दिया गया। इसके पीछे 2 मेजर कारण थे। पहला, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के साथ जो है साइंटिस्ट ने बोला कि जब टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो द इकोनॉमिक ग्रोथ विल आउटस्ट्रिप पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो उसके थ्रू जब प्रॉस्पेरिटी आएगी वो पॉपुलेशन ग्रोथ को आउटस्ट्रिप कर देगी, मतलब उससे उसका फर्क जो है नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू नोट इट डाउन। इस पे आप लोग जब कोई आंसर लिखेंगे तो ये एक जो एग्जाम्पल है ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कब से चेंज होना शुरू हुआ। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी मींस 1925 के आसपास से जो है ये यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में जो पॉपुलेशन इंक्रीज है ये बहुत कम हो गई, बर्थ रेट बहुत डिक्लाइन की और एपिडेमिक्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, तो एपिडेमिक्स जिसे महामारी बोला जाता है वो भी कंट्रोल हुई, मोर्टैलिटी रेट भी कम हुआ, लेकिन चूंकि बर्थ रेट बहुत कम हो गई इसलिए जो पॉपुलेशन इंक्रीज थी वो भी काफ़ी कम हो गई। इसके बाद जो है माल्थस का जो प्रेडिक्शन है इसलिए गलत प्रूफ हुआ, बिकॉज बोथ फूड प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू राइज डिस्पाइट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? बिकॉज अच्छी टेक्नोलॉजी आई, अच्छे बीज आए, तो इसकी वजह से उसी पीस ऑफ लैंड से जो यील्ड था क्रॉप्स का वो बढ़ा और प्रॉस्पेरिटी जो है वो आई। और जहाँ पे उन्होंने पॉपुलेशन के ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से बढ़ने की बात की थी, वकालत की थी, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कीजिए तो कई देशों में आप ये भी देखेंगे कि आज की डेट में पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ने की जगह पॉपुलेशन घट रही है, एंड दिस इज क्वाइट एविडेंट इन जर्मनी, इटली एंड रशिया। यहाँ पे लोगों को अब इनाम दिया जा रहा है कि बच्चे अगर पैदा करें तो इनाम दिया जाएगा, मतलब आप इस तरीके से देखिए कि वहाँ पॉपुलेशन घट रही है। तो जो माल्थस की जो थ्योरी थी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। नाउ हिज थ्योरी डेट पॉवर्टी वाज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आल्सो रिफ्यूटेड। जो एक इन्होंने थ्योरी दी थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ से पॉवर्टी जो है
होती है, इसको भी गलत साबित किया गया। कैसे? ये चीज में मार्क्सिस्ट और लिबरल जो है उनमें भी खास तौर पर ये जो मार्क्सिस्ट हैं उनका काफी योगदान था। मार्क्सिस्ट के हिसाब से ये पावर्टी जो होती है क्यों होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मार्क्सिस्ट ने जो भी चीजें क्लासिफाई की थी डेट वॉज ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे हर चीज जो है क्लासिफाई की गई थी। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड हिज फॉलोअर्स, ये जो पावर्टी एंड स्टार्वेशन वॉज कॉज्ड ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब एक अनजस्ट सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से कुछ लोगों के हाथ में, कुछ डोमिनेंट लोगों के हाथ में जो वेल्थ है वो थी, एंड दे कंटिन्यू टू लिव अ वेल्दी एंड अ लग्जरियस लाइफ, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी में रहती थी। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल एंड एट दिस मोमेंट, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपना ड्यूरेशन और आगे बढ़ाते जाएंगे, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ते चला जाएगा, सो डैट वी कैन कवर इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों को रिवीजन का मौका मिले, जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उस जो, और वो क्वेश्चन जो है वो आंसर के साथ रहेगा, तो आपको उन क्वेश्चन को पढ़ने का मौका मिले, जो अभी जो हम वीडियोस दे रहे हैं उनको साथ साथ देखते रहिएगा। थैंक यू।